मुझे शर्म आता है कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी, और भूखे भेड़िए होते हैं ना सत्ता के लिए, ये इतने ज्यादा मतलब सत्ता पद चाहिए, और साहब साथ में थे और अभी अलग अलग हो गए हैं सिर्फ पद के लिए। बात सेवा नहीं करना, समाज के लोगों का सेवा तो करना ही नहीं इनको, और सेवा करना होता, सेवा का मतलब होता है लोगों के साथ जोड़ना, लोगों का सेवा करना। गरीब गरीब होते जा रहा है और समाज जो है वो भी गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ जात पात धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ के राजनीति किया जाता है। वहाँ पे मेहदार में रोड की स्थिति इतनी दयनीय है, मुझे शर्म आता है कि सत्ता में 12 साल रहे हैं, ठीक है, और वृंदावन में विकास का तो कुछ मतलब बात ही मत कीजिए आप, स्थिति बहुत दयनीय है। आप चुनाव लड़ने वाले हैं, कल आपका नॉमिनेशन है, क्या कुछ किस तरह से विकास करना चाहेंगे दरौंदा का और दरौंदा के लोगों को? दरौंदा पूरा क्षेत्र में विधानसभा में मैंने भ्रमण किया। अभी स्थिति है जो हमारा धाम होता है, ठीक है, वहाँ पे मेहदार में रोड की स्थिति इतनी दयनीय है, मुझे शर्म आता है कि सत्ता में 12 साल रहे हैं, ठीक है, और वृंदावन में विकास का तो कुछ मतलब बात ही मत कीजिए आप, स्थिति बहुत दयनीय है। और मुझे शर्म आता है कि 12 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी, और भूखे भेड़िए होते हैं ना सत्ता के लिए, ये इतने ज़्यादा मतलब सत्ता पद चाहिए, और साहब साथ में थे और अभी अलग अलग हो गए हैं सिर्फ पद के लिए। बात सेवा नहीं करना, समाज के लोगों का सेवा तो करना ही नहीं इनको, और सेवा करना होता, सेवा का मतलब होता है लोगों के साथ जोड़ना, लोगों का सेवा करना। गरीब गरीब होते जा रहा है और समाज जो है वो भी गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ जात पात धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ के राजनीति किया जाता है। आप नॉमिनेशन करने वाला है, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान? मेरा धुरंधर वासियों से, जनता जनार्दन से मेरा दिल से अपील है कि मेरा सपना है धुरंधर को न्यू धुरंधर बनाऊं, और उसमें समय कम है, 8 महीने का ये चुनाव है, और 5 महीना में मेरा जो भी शपथ वादे करेंगे उसको मैं पूरा करूंगा। जैसे ये करप्शन है, सबसे ज्यादा करप्शन है, आप किसी भी कदम पे जाए, किसी भी विभाग में, मैंने बहुत खुद ट्राई किया किस विभाग में क्या है स्थिति है, हर जगह करप्शन फैला हुआ है। तो सबसे पहला मुद्दा होगा मेरा करप्शन खत्म करना, और जो जनरल योजना है उसकी जाँच करवाना अपने क्षेत्र में, और उसके बाद रोड की स्थिति इतनी दयनीय है उसको ठीक कराना। इस उपचुनाव में भी कई उम्मीदवार हैं, कई दावेदार हैं, इस बार सबका कहना है कि हम विकास करेंगे, लेकिन क्या मानते हैं? देखिए कैसे विकास करेंगे, एक तो करोड़पति हैं, गुटखा तिरंगा खाते हैं, दूसरा आपको मतलब आपको एक तरह से बोलते हैं उसको दारू विभाग के मतलब उसे मतलब दारू माफिया है, ठीक है, और तीसरे कैंडिडेट बाहुबली है। बाहुबली का मतलब क्या होता है, आप किसी का सेवा करिए, सेवा तो हो नहीं रहा है, कुछ घटनाएं क्रम में भी बहुत सारी मतलब अभी है, मैं करेक्टर में अपनी बता रहा हूँ, मेरा दूसरा प्रत्याशी मैं हूँ, तीसरा चौथा, और निर्दलीय और भी लोग हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, और चौथा मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं है, और लोग आपराधिक मामला भी है, मेरे पे एक भी मामला नहीं है, और मतलब समझिए ना के बराबर, मैंने अपने जिंदगी में चींटी तक भी नहीं मारा है। और मुझे दुख आता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे लोगों को टिकट कैसे दे देते हैं, और जिस पे आपराधिक मामला हो, चाहे जो भी लोग साथ में जुटे थे, एक ही पार्टी में थे, और एक दूसरे का विरोध कर रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, ये सबसे दुखद बात है। आप पेशे से इंजीनियर है और यहाँ अपना काम छोड़कर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, क्या दुखद ये बात है? जब हम लोग विदेश से आते हैं, मतलब जब भी मैं इंडिया में जॉब किया हूँ, शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति हमारे हैं, उनकी पोती कंपनी गगन शर्मा, तो उनके कंपनी में मैंने 3 साल, जब इतना सुकून था, और मतलब इंडिया जब छोड़ के मैं बाहर गया, 1 ईयर रहा वहाँ पे, दुखद बात है वहाँ से आने के बाद दिल करता है कि अपने समाज के लोगों को एक साथ देखें, वहाँ विकास देखने को मिलेगा, और बहुत सारी बातें हैं, जैसे मोदी जी का सपना न्यू इंडिया, उसी तरह मेरा सपना है न्यू धुरंधर, और मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा, और धीरे धीरे अपना जो भी होगा अब बढ़ाते रहूंगा। इस चुनाव में कई दावेदार हैं, किससे अपनी चुनौती मानते हैं? देखिए चुनौती, देखिए ये लड़ाई है अच्छे और बुरे के बीच का, ये जो लड़ाई है अच्छे और बुरे के बीच में, अब जनता जनार्दन फैसला करेगा कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और आपसे किसी से कोई नहीं छिपा, जितने प्रत्याशी का नाम नहीं ले सकते हम, एक गोपनीय एक मर्यादा होता है, अशब्द बातें हमें नहीं बोलनी आती, हमें संस्कार है। और मैं एक बात पूरा नहीं कर पाया, जो मैं इंजीनियरिंग विदेश जॉब करता था, मैं आता था, मुझे भी अरमान है कि अपने गांव में विकसित हो, गांव आगे बढ़े, लोग यहां पे एक दूसरे से कंपटीशन करने के बजाय विकास का मुद्दा रखना चाहिए, हम ये कर दिए हम वो कर दिए, नहीं मुद्दा वो नहीं है, जितना ये वेस्ट करते हैं पैसा को चुनाव लड़ने के लिए, उससे बेहतर हो समाज के गरीबों का गोद ले लिया करते, परिवार को, तो बहुत सारा सेवा कर सकते। क्या लगता है किस तरह से दुरंधर का विकास होगा? फिर दुरंधर का विकास बहुत आसान है, और इसमें बड़ी कोई समस्या नहीं है, अपने पद को अगर उस गरिमा को एक इंसानियत के नाते अगर निभाते हैं तो विकास करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है दुरंधर में। दुरंधर में मैंने देखा बहुत सारे गरीब परिवार हैं, हताश हैं, हताश का मतलब क्या, उनसे पूछा जा रहा है भैया हमको वोट दीजिएगा, तो उनका वोट निकल रहा है सबके वाला, भोटवा मांग ले रहा, पूछे भी ना करे हमारा,
सबसे बड़ा मुद्दा है, हम गए थे क्षेत्र में घूमे, एक तो औरत रोने लगी जब उसको हम बोले माँ जी आप घबराइए मत, हम आपके साथ, हम इस गरीब बेटा को निस्वार्थ समाज सेवा करते, उसका सजा हमें भी मिला, लेकिन आप मुझे एक मौका दीजिए। तो परिवार बोला कि बाबू बेटा हम आपको मौका देंगे, ठीक है, लेकिन आप सबकी तरह घात मत कीजिए। वो नाम भी बोली, नाम लेना अच्छा नहीं है, चुनाव का समय है, कल मेरा नॉमिनेशन है, सबसे धुरंधरवासी से आग्रह है इस नॉमिनेशन में आए, नॉमिनेशन 10 बजे से 10:30 बजे तक हम सिवान पहुंच जाएंगे, और हमारा शिव मंदिर है गांव में, वहां पूजा पाठ करके अर्चना करके और वहां 9 बजे से हम लोग निकले। आप यहां चुनाव लड़ने आए हैं, आज जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? जनता मुझ पे भरोसा इसलिए करेगी कि देखिए अभी जितने बारे जितने लोगों के बारे में मैंने आपसे परिचय दिया, एक तो गुटखा खाने वाले हैं, दूसरा आप दारू माफिया हैं, और तीसरा सबसे बाहुबली हैं, ठीक है, और चौथा मैं हूँ, जो कि मेरे पे कोई करप्शन नहीं है, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे 10 किताब 5 किताब हो जाए, क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि अच्छा कर्म करना आज सिवान जिला में है, अच्छा करना पाप है, आप अच्छा मत कीजिए। मुझे कुछ नेता लोगों की तरफ से बोला गया था कि बाबा आप ठेका मत लीजिए, गरीबों का सेवा मत कीजिए, मैंने हम गरीब का सेवा कर रहे हैं तो मतलब गलत कर रहे हैं, गरीबों का सेवा मत कर दीजिए, अपना आप लूटिए खाइए पैसा बनाइए, बस यही राजनीति है, कोई करोड़पति है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, समाज के लिए कोई बता सकता है कोई करने वाला है, कुछ भी करने वाला, कोई लिख के दे, लिखित दे कि मैं 8 महीना रहूंगा, चुनाव जीतूंगा, मैं ये काम करूंगा। और दूसरा सिवानवासियों से मैं अनुरोध करता हूं, जागरूक हो, एकत्रित हो और मुझसे जुटे, और समाज सिवान को धुरंधर, तो मेरा मिशन है पहला धुरंधर न्यू धुरंधर, उसका सिवान न्यू सिवान का मेरा सपना, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना, योगी जी की तरह हमारी सोच है, देखिए उन्होंने एक वादा किया था एम्स का, आज पूरा हो गया, बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, अब हमारे बिहारवासी वहां जाएंगे इलाज के, जो दिल्ली जाते थे इतना परेशानी झेलते थे, पटना जाते थे, साधन है उसका लोग यूज करें। अगर आपको जनता मौका देती है तो इन 8 महीनों में आप क्या कुछ करेंगे? सबसे बड़ा बात, जनता मौका देती है तो देखते हैं, आजकल नेता लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई आएगा तो खाली हाथ नहीं जाएगा, हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये बोले हम जनता के पास ही जाएंगे, एक एक गांव लेंगे पर डे, एक एक गांव में भ्रमण करेंगे, वहीं रहेंगे, उनकी समस्या को इकट्ठा करेंगे और उन समस्या का समाधान करेंगे। बहुत सारा जनधन योजना का समस्या है, वार्ड में पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, केंद्र पर सरकार पैसा दे रखी, राज्य सरकार पैसा दे रहा है, उसके बाद से भी धांधली हो रही है, इससे नल जल का जांच होना चाहिए, और उसके सबसे बड़ी समस्या PCC हो रहा है, 2 नंबर का काम, मैं एक इंजीनियर हूं, मुझे नॉलेज आइडिया है, हम लोगों ने बहुत सारा प्रोजेक्ट किया, 700 करोड़ का, 2000 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट किया है, पारस्तियारा से लेकर बड़े बड़े मतलब ओबराय होटल से लेकर बड़े बड़े लोगों से लिंक भी है, तो मैंने उनके प्रोजेक्ट पे काम है, बहुत ईमानदारी से काम किया, कभी एक करप्शन का केस नहीं है, और ईमानदारी इतना है कि ऑफर मिलते रहता है, और ये सब त्याग करके समाज के लिए सब कुछ त्याग करके सेवा भाव से मैं आया हूँ, और मेरा जब तक मैं जीवित रहूँ समाज का सेवा कर्तव्य दायित्व मेरा है, समाज के लोगों सेवा करूँ, और धुरंधर का मिशन है जो न्यू धुरंधर बनाने के लिए पूरा कर्तव्य से बद्ध हूँ, और इसको मैं सेवा करूंगा, उसकी चाहे बीच में कोई भी है, हम उस बीच में उस बहस में नहीं पड़ेंगे, हमको सेवा भाव करना और सेवा करते रहना है, और धुरंधर की स्थिति बहुत दयनीय है, दुख लगता है कि मैं इस पर क्या बोलूँ, प्रकट क्या करूँ, और मुझे एक मौका मिलता है तो धुरंधर के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। आखिरी में धुरंधर की जनता से क्या अपील करेंगे आप? धुरंधर की जनता से मैं अपील करूंगा हाथ जोड़ के, और सबको अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, और भाइयों को नमस्कार, बहनों को जय श्री राम, और माताओं को नम्न निवेदन है कि हमारे कल नॉमिनेशन है, आप सबसे आग्रह है, अगर आप नहीं जानते तो बड़रम गांव में नीलमणि मिश्रा जी का मकान है, भरद्वाज बिला, वहां पे आप आएं और वहां से हमारे साथ सम्मिलित हों और नॉमिनेशन में आएं, और सबसे आग्रह करेंगे, विनती करेंगे, आप जरूर आएं, आपका ये बेटा आप सबका इंतजार करेगा, और सिवानवासियों से करेंगे जो धुरंधर से आके यहां बसे उन सबसे बोलेंगे मेरे साथ खड़े हों, और मेरा काम है लोगों को जोड़ना, उनका सेवा करना, जब तक जीवित रहूंगा मेरा कर्तव्य दायित्व उनका सेवा करना।